ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं साक्षात विश्वनाथ, बोले योगी। छुआछात को लेकर दी लोगों को नसीहत। क्या है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के दावे? दुर्भाग्य से ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद की जगह पहले हिंदू मंदिर होने का विवाद भले ही अदालत में लंबित है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि ज्ञान व्यापी खुद साक्षात विश्वनाथ ही है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और आदि शंकराचार्य के बीच हुए वाद विवाद का हवाला देते हुए ये पूरी बात कही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी को दूसरे शब्दों में लोग आज भले ही मस्जिद कहते हैं, लेकिन असल में वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। ये बयान मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स यानी पहले ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी के ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर से सटकर बनी हुई है। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के चांडाल रूप धरकर आदि शंकराचार्य की परीक्षा लेने की कथा का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि आदि शंकर जब काशी में अपने अद्वैत ज्ञान से आगे की साधना करने पहुंचे तो साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेना तय किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जा रहे आदि शंकराचार्य के रास्ते में बाबा विश्वनाथ सबसे अद्भुत कहे जाने वाले एक सामान्य व्यक्ति यानी चांडाल का रूप धरकर खड़े हो गए तो आदि शंकराचार्य के मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला कि हटो मेरे मार्ग से। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है हटो मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका यह ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने उद्घोषक थे एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज में समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद लोगों को समाज में फैली छुआछूत को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने बाबा विश्वनाथ का जवाब सुनकर
न केवल उनके आगे मस्तक झुकाया बल्कि इस बात पर भी दुख जताया कि भौतिक अस्पृश्यता साधना के मार्ग की ही नहीं राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। अगर इस बड़ी बाधा को हमारे समाज ने समझ लिया होता तो ये देश कभी भी गुलाम नहीं हुआ होता। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भारत में अस्पृश्यता को एक गंभीर समस्या बताया और इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा भी कहा है। उन्होंने कहा कि यदि देश के लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से समझा होता तो देश को कभी भी गुलाम नहीं होना पड़ता। उन्होंने संतों की परंपरा को जोड़ने वाली समाज को एकता की ओर ले जाने वाली भी बताया। वहीं सीएम योगी ने आचार्य शंकर की कथा का उल्लेख भी किया। इस पर शंकराचार्य ने ये सवाल किया कि क्या ब्रह्म ज्ञान केवल भौतिक शरीर को देखता है या उसके अंदर उसे ब्रह्म को भी समझता है। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि ज्ञान केवल भौतिक रूप को नहीं बल्कि आत्मा के वास्तविक रूप को भी समझना चाहिए। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू पक्ष असली काशी विश्वनाथ मंदिर मानता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को मुगल बादशाह के इशारे पर ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसके बाद मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार का मुकदमा हिंदू पक्ष ने अदालत में दाखिल कर रखा है, जिस पर सुनवाई भी चल रही है। उसके उलट मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां कोई भी मंदिर नहीं था। हालांकि अदालत के आदेश पर की गई जांच में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI ने भी मस्जिद के अंदर मंदिर से जुड़े तमाम चिन्ह होने की भी पुष्टि की है। वहीं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मामला सब ज्यूडिस होता है यानी कोर्ट के अधीन होता है, जैसा कि ज्ञानवापी और वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, कुछ पिटीशंस लोअर कोर्ट में भी हैं। तब जब मामला कोर्ट के अधीन है उस पर किसी भी जिम्मेदार नागरिक को कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिक नहीं, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठा है वो आदमी ऐसा कह रहा है, तो एक तरह से ये जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और न्यायपालिका को मुख्यमंत्री को नोटिस देना चाहिए कि जो मामला सब ज्यूडिस है उस पर वो टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे डर कर के इस तरीके के बयानात दे, कोशिश पहले भी की है, पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। जनता ने मोहर लगा दी कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते, ये मिली जुली संस्कृति का देश है, इसीलिए मेरा भारत महान है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता जो है वो मेरे भारत का जो है असली है, ये लोग उसको बांटना चाहते हैं। कि कोई भी मामला सब ज्यूडिस है तो उस मामले पर बयान पर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अपने बिलीफ को सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्त कर सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) इस बात के लिए सबको आजादी देता है, अधिकार देता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बिलीफ के आधार पर, अपनी आस्था के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति की है और भारत के संविधान में इस प्रकार की अभिव्यक्ति पर या कोर्ट के किसी आदेश के द्वारा इस तरह की अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी बिलीफ के प्रकटीकरण पर लगातार पेट में दर्द होता है, वो प्रधानमंत्री जी अगर गणपति पूजा के लिए जाते हैं तब भी पेट में दर्द होता है, या चीफ जस्टिस के साथ अगर वो गणपति पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है और जो कोर्ट फैसला करेगा उसे दोनों पक्षों को मानना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास को लेकर के संघर्ष कर रही है और सरकार को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है।
हम लोग ज्ञानवापी की लड़ाई 2021 में फाइल किए थे और ये जितने मंदिर के प्रमाण है, साक्ष्य, दीवारें हैं, चीक चीख के अभी भी कह रही है कि ये दीवारें मंदिर की हैं। इसको खाली मस्जिद की वजह से सब मस्जिद कह रहे हैं, जबकि 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद का निर्माण किए। जबकि मस्जिद ये होता है कि जमीन से होना चाहिए, न कि किसी मंदिर के ऊपर उसको किया जाता है। सीएम ने पहले भी ज्ञानवापी को बताया था कि इसको मस्जिद कहना नहीं गलत होना चाहिए, ये ज्ञानवापी मंदिर है। और आज भी ये बात कहा कि बाबा विश्वनाथ है वो मस्जिद नहीं है, तो योगी जी सही कह रहे हैं। ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद जो है वो मस्जिद नहीं है, वो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है। और उसमें साक्ष्य भी मिले हैं, एसआई सर्वे, कमीशन रिपोर्ट, सब कुछ मतलब हो चुका है, उसके साक्ष्य हैं अंदर, मतलब जितनी दीवारें, खंभे, सब में घंटी, घड़ियाल, त्रिशूल, डमरू, सब चीज मिले हैं। इतना तक कि उसमें जो औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था मस्जिद को तोड़ने का, उसका शिलापट भी मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज से कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है या ये समझना नहीं चाह रहे? मुस्लिम समाज समझना नहीं चाह रहा है, सबको पता है कि ज्ञानवापी मंदिर है, लेकिन वो भटकाना चाह रहे हैं। जैसे ओवैसी जी कभी कभी बयान दे देते हैं, एक मस्जिद दे दिए, दूसरा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब हमारा मंदिर आप ले रहे हैं तो उसको वापस करिए। हम तो अपनी मस्जिद को नहीं मांग रहे हैं, हम अपना मंदिर वापस मांग रहे हैं।